करना। नियम 33, हो सके तो 2 से 4 सुबह नाम जपो, आधा या 1 घंटा, फिर नाश्ता करना, मेहनत की कमाई, परिवार को समय देना, सोने से पहले आधा या 1 घंटा नाम जपें, सही समय पर सोना। नियम 34, इंसान का लॉकेट हमेशा पहन के रखना ताकि हम एक व मालिक भी एक है याद रहे। नियम 35, अपने देश व अपने सच्चे सतगुरु की आन बान शान के लिए मर मिटना। नियम 36, अहिंसा का पालन करना, अर्थात किसी भी जीव की हत्या नहीं करना और न ही उसे सताना। नियम 37, जब कोई औरत गर्भवती हो तो उसको चाहिए कि वह अपने धार्मिक ग्रंथ, शब्द, सत्संग व योद्धा शूरवीरों की कथाएं पढ़ें और देखें, इससे होने वाले बच्चे के जीवन पर बहुत अच्छा असर होता है। नियम 38, खाना खाते समय सत्संग या भजनों की कैसेट या सीडी ही सुनना और देखना। नियम 39, कहीं भी कोई अश्लीलता जैसे अश्लील टीवी में, फिल्म या पत्रिका इत्यादि में हो तो उससे परहेज करना। नियम 40, पेड़ पौधे लगाएं, उसकी संभाल भी करें ताकि वातावरण शुद्ध रहे। नियम 41, अगर कोई बहन छोटी उम्र में विधवा हो जाती है तो उसका दोबारा विवाह करवाना, अगर नहीं करवा सकते तो डेरा सच्चा सौदा सरसा के कमरा नंबर 50 में संपर्क करवाना। नियम 42, पाखंड व दिखावे से दूर रहना, जैसे मढ़ी मसाना, भूत प्रेत, टोने टोटके, मरणोपरांत फिजूल खर्चे, ढोंगी गुरु आदि से हमेशा दूर रहना। नियम 43, समाज में फैली कुरीतियों व बीमारियों के प्रति सजग रहना व सजग करना। नियम 44, बदलते हुए समय की मांग के अनुसार बुजुर्गों को चाहिए कि बच्चों को कुछ करने का मौका दें और गृहस्थ की जिम्मेवारी बच्चों पर डालकर खुद भक्ति मार्ग अपनाना। नियम 45, कुछ मिला है तो उसका अहंकार न करें और जिसकी चाह है उसके लिए ईमानदारी से मेहनत व सुमरण करना, चिंता टेंशन नहीं करना। नियम 46, जब भी गुस्सा आता है तो नारा लगाकर ठंडे पानी का गिलास पीकर 5 मिनट सुमरण करना, जहां तक संभव हो क्रोध से बचकर रहना। और नियम 47, मालिक की सृष्टि से निस्वार्थ प्रेम करना। ये इंसान के 47 नियम आपको पढ़कर सुनाए। तो पंडाल में जो भी अभी भी खड़े हैं तो कृपया सभी बैठ जाएं। एक बच्चा है 7-8 साल का, यहाँ पर आया है गांव जो सुजानगढ़ बताता है, अपने अंकल का नाम मुकेश बताता है। जिसका भी बच्चा है तो यहाँ से अपने बच्चे को ले जाएं जी। आपसे फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना, कृपया सभी बैठ जाएं। जो बहनें पीछे खड़ी हैं, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना, कृपया बैठ जाएं। अभी पूजनीय गुरु जी आपके सामने यहाँ पर आएंगे और आपको रूहानी दाम पिलाया जाएगा। आपसे इसलिए प्रार्थना, कृपया सभी बैठ जाएं। खड़े किसी ने भी नहीं रहना, पंडाल में खड़े नहीं रहना। जिनके पास रूहानी जाम वाले गिलास नहीं आए हैं तो आप बैठे बैठे ही हाथ ऊपर कर लें ताकि सेवादार भाई आपके पास गिलास पहुंचा सके। बैठे बैठे ही हाथ बैठ जाएं और बैठे ही हाथ ऊपर कर लें ताकि सेवादार भाइयों को पता चल जाए और आपको गिलास पहुंचा सके। इसी प्रकार बहनों से भी प्रार्थना है, जिनके पास रूहानी जाम के लिए गिलास नहीं आए हैं तो बहने बैठे बैठे ही हाथ ऊपर कर लें ताकि सेवादार बहने आपको गिलास दे सकें। जो पीछे खड़े हैं, आपसे बार बार प्रार्थना है, बैठ जाएं, पंडाल में खड़े नहीं रहना जी, ये शोभा नहीं देता। प्रेम पूर्वक आप अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं जी। एक इंसान का लोकेट गुम हुआ यहाँ पर आया है, जिस किसी का भी है तो ये लोकेट ले जा सकते हैं। रूहानी जाम के लिए फार्म भरना बहुत ही जरूरी होता है, फार्म जरूर भरना है। फार्म भरने के बाद सेवादार भाई आपको एक स्लिप देते हैं, आपने वो स्लिप संभाल कर रखनी है, रूहानी जाम पीना है, उसके बाद आपने वो स्लिप वापिस उन्हीं सेवादार भाइयों के पास देकर इंसान का लोकेट आपको मिल जाएगा जी। प्रेमी प्रवीण जी या सतब्रह्मचारी सेवादार बरनाला जी, ये जहां भी आवाज सुन रहे हैं तो सतब्रह्मचारी सेवादार राधा जी को, डॉक्टर राधा जी को भी मिल लें जी।
और सत्संग से निवेदन है कि अगर आपको कोई भी सामान गुम हुआ सत्संग का मिल जाता है तो आश्रम का जो मेन गेट के पास कमरा नंबर 2 है वहां पर जमा करवा दें, और जिस किसी का भी कोई सामान गुम होता है तो वहां जाकर आप बाद में पता कर लें जी। जो पीछे खड़े हैं आपसे फिर प्रार्थना है, सभी बैठ जाएं, हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना है, कृपया बैठ जाएं। जिनको रूहानी जाम के गिलास नहीं मिले हैं वो भी बैठ जाएं, और बैठे बैठे ही हाथ ऊपर कर लें, और सेवादार भाइयों से प्रार्थना है गिलास आप उन तक पहुंच कर दें, दूर से गिलास न फेंके जी, सेवादार भाइयों के पास पहुंचकर गिलास बांटें जी। और जिन सेवादारों को जो सेवा करते हैं जिनको दात नहीं मिली है तो रूहानी जाम के बाद आपने प्रांत के राजस्थान के 25 मेंबरों से मेन गेट के पास मिल लेना है। रूहानी जाम के बाद जिन भी सेवादारों को दात नहीं मिली है तो रूहानी जाम के बाद आपने मेन गेट के पास राजस्थान के 25 मेंबरों से मिल लेना है जी। एक बिजली वाले सेवादार भाई का पलाश गुम हो गया है, जिसके पास है तो यहां आगे आकर दे जाएं जी। पच्चीस जनवरी को परमपिता शास्त्राम जी महाराज का पावन जन्म भंडारा डेरा सच्चा सौदा में सिरसा में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें दुनिया के कोने कोने से करोड़ों की संख्या में सात संगत आती है, पावन भंडारे की खुशियों में शामिल होती है। तो आप भी आगे के आगे सात संगत को बता दें ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजस्थान की सात संगत भी पावन भंडारे की खुशियों में शामिल होकर खुशियां प्राप्त कर सकें। 25 जनवरी को और 23 जनवरी को वहां पर जैसा कि आपको बताया 3 कैंप लगाए जा रहे हैं, तो आप उन कैंपों में भी अपना इलाज करवा सकते हैं जी। और पूजनीय गुरु जी के सत्संग के कार्यक्रम कुछ टीवी चैनल्स पर भी प्रसारित होते हैं, जी न्यूज टीवी चैनल पर हर रोज सुबह 5:30 बजे से 6 बजे तक, जी जागरण टीवी चैनल पर हर रोज शाम को 8:50 से 9:10 तक, इन चैनलों पर पूजनीय गुरु जी के सत्संग के जो कार्यक्रम है वो प्रसारित होते हैं। आश्रम से सच कहूं समाचार पत्र भी प्रकाशित होता है, जिसमें देश व दुनिया की तमाम खबरों के अलावा पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचन भी प्रकाशित होते हैं, और पूजनीय गुरु जी के वचन सच कहूं के माध्यम से जब आप पढ़ते हैं तो ये गुरु जी के वचन है कि आपको सत्संग या मजलिस का फल अपने घर बैठे बैठाए मिल जाता है, जिस भावना से जिस श्रद्धा से आप पढ़ते हैं। तो इस समाचार पत्र को भी आप अपने घर पर लगवा सकते हैं। और मासिक सच्ची शिक्षा हिंदी और पंजाबी दो भाषाओं में प्रकाशित होती है, जो पूरे महीने की खुशियां लेकर आती हैं, तो आप मासिक सच्ची शिक्षा भी अपने घर पर लगवा सकते हैं। पीछे पंडाल में सच्ची शिक्षा की बुकिंग की जा रही है, आप बुकिंग करवा सकते हैं, उसके बाद लगातार हर महीने आपके घर पर सच्ची शिक्षा पहुंचती रहेगी। तो सच्ची शिक्षा के लिए आप पीछे पंडाल में सेवादार बहनों वाले पंडाल में बैठी हुई हैं, और सेवादार भाई पीछे पंडाल में स्टॉल लगाकर बैठे हुए हैं, वहां पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो उसके बाद सच्ची शिक्षा रेगुलर आपके घर पर पहुंचती रहेगी जी।
सभी से प्रार्थना, कृपया सभी बैठ जाएं, हाजिर कर प्रार्थना, सभी बैठ जाएं। 25 जनवरी को परमपिता शास्त्राम जी महाराज का पावन जन्म भंडारा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में नए जीवों को, नाम वाले जीवों को भी लेकर आए। किसी जीव को बुराइयों से दूर कर राम नाम के साथ जोड़ना सबसे बड़ी सेवा है, तो ये सेवा आपने जरूर करनी है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को गुरु मंत्र के लिए, नाम शब्द के लिए आपने लेकर आना है, ताकि वो भी भंडारे की खुशियां प्राप्त कर सकें। जो साइडों में भाई खड़े हैं, आप बैठ जाएं, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सभी बैठ जाएं। पीछे भी जो खड़े हैं भाई और बहनें जो भी खड़ी हैं बीच में, सभी बैठ जाएं। जो बैठे हुए हैं, आपके पास कोई भी खड़ा है तो उसे हाथ जोड़कर बिठा लें, या आपकी सेवा बन जाएगी। रूहानी जाम केवल एक बार ही पीना है, दूसरी बार रूहानी जाम नहीं पीना, केवल एक बार ही पीना होता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे को और जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया हुआ, उन्होंने रूहानी जाम नहीं पीना होता। रूहानी जाम आपने यहीं पर ही पीना है, घर पर साथ लेकर नहीं जाना जी। सभी प्रेम पूर्वक अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं जी, किसी ने भी खड़े नहीं रहना। पूजनीय गुरु जी अभी आपके सामने आएंगे और आपको रूहानी जाम पिलाएंगे, कि सभी बैठ जाएं। जो खड़े हैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सभी बैठ जाएं। पूजनीय गुरु जी पधार रहे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। हाँ जी, प्यारी सत्संग जी, बैठ जाइए, बैठ जाए, एक बार बैठ जाओ। माता बहनों ऊपर न रहो, थारे सामने आवा भाई, बैठ जाओ। तो ये रूहानी जाम आपको पता है, सौगंध दिलवाते हैं। तो सबसे पहले इस ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा मालिक के नाम की, जिसने इस सारी सृष्टि को बनाया है जी। दूसरा, इस धरती पे जो पहले गुरु मुर्शिद कामिल सतगुरुदाता आए, उनके पवित्र नाम की। तीसरे, जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, सच्चे मुर्शिद कामिल बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के नाम की। चौथा, जिनका जन्म महीना चल रहा है, हमारे गुरु दादा रहबर मालिक शास्त्र नाम जी महाराज के नाम की। और पांचवा, सभी धर्मों में सात संगत भगवान का रूप है, आपका प्यार मोहब्बत विश्वास बढ़ता जाए सात संगत भगवान के रूप की। तो सेवादार आ जाए जो राम नाम जपेंगे, सेवादारों ने जिनको चुना है आ जाए भाई, आए सामने आ जाए। तो राम नाम का जाप करना है, इसमें आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, इसको मिलाते रहना है, राम नाम जपते रहना है। आ जाओ आगे, आ जाओ बेटा, ओम
आसरो तेरा ही आसरो। बैठ जाओ माता बहनों, बैठ जाओ सभी, आप बैठ जाएं। अभी आपको रूहानी जाम पिला देंगे भाई कुछ मिनटों में। बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह ले लीजिए, आराम से बैठ जाओ जी, बैठ जाओ नौजवानों, भाइयों, बुजुर्गों, बैठ जाओ। माता बहनों बैठ जाओ, उबो नहीं रहनो भाई, बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ। जटा खड़ा हो बटे ही बैठ जाओ, इन्हें उन्हें ना देखो भाई, बैठ जाओ आराम से। हाँ बैठ जाओ, शाबाश, बहुत सियाणी है माता बहन, बहुत ही सियाणी, बैठ गई सारी, थोड़ी सी रह रही है, थे ही सियाणी बन जाओ भाई। हाँ बैठ जाओ, शाबाश। तो आज जो रूहानी जाम पीने आए हैं, जरा हाथ खड़ा करके देख बताए जिन्होंने आज फार्म भरे। हाँ बहुत सत्संगत है, ज्यादातर रूहानी जाम पीने वाले हैं, हाथ नहीं चलीजिए। बाकी सत्संग जी, यहां आश्रम में अगर सत्संग हुआ तो यहां समितियां भी बनेंगी, जैसे खाना खिलाने की समिति और खाना बनाने की समिति, बहनों की भी, भाइयों की भी, पंडाल समिति, पंडाल में सेवा करना, स्पीकरों की समिति। तो आप सेवादार कोई भी में आना चाहो तो यहां पे नाम लिखा देना, 25 मेंबर आपके होंगे। इस माइक के पास आके राजाराम जी खड़े हुए हैं, तो यहाँ दूसरे 25 मेंबर बैठे हैं राजस्थान के, तो यहां आके आप सेवा करना चाहते हो तो सेवा कर सकते हो यहां भी, और मानवता की सेवा भी। जैसे जगह जगह पे सात संगत जाती है, सेवादार जाते हैं, कहीं कोई बाढ़ आ गई, कहीं कुछ कुछ कुछ, जिसकी इच्छा है कि इंसानियत की सेवा में आगे जाना चाहता हूं तो वो यहां नाम लिखा सकते हैं आके। और यहां आश्रम में करना चाहते हो तो यहां, क्योंकि सेवा का मेवा नगदो नगद भगवान जरूर देते हैं, वरना कौन सेवा था, कौन किसी का झाड़ू लगाता भाई, भगवान देता है। तो बहुत नौजवान है, इंजीनियर, डॉक्टर, लेक्चरर, कॉलेज के बच्चे इतने सेवा कर रहे हैं यहां, कहने सुनने से परे। तो आप पक्की सेवा में नाम लिखवाओ माता बहनों, भाइयों, तो आप यहां पे नाम लिखवा सकते हैं, यहां पक्की समितियां बनेंगी आश्रम के लिए, और बाहर भी आप जा सकते हैं। अगर यहीं करना चाहते हो तो यहीं भी कर सकते, सत्संग के दरमियान दो चार दिन सेवा करनी होती है तो आप नाम लिखवा सकते हो, बाद में आके नाम लिखवा देना। तो ये रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम, बिगड़े बना देता है काम, बुराई का कर देता है काम तमाम। ये है रूहानी जाम, खुशियों का लेके आता है पैगाम। तो ये रूहानी जाम आपके लिए पैगाम लेके आया है कि हम सब एक हैं, भगवान की खुशियां हासिल करनी है। ये जो लॉकेट डालते हैं, जिसने फार्म भरे उसको लॉकेट मिलेगा, लॉकेट आप डालोगे तो इससे यही होता है कि हम सब एक हैं, एका है, ये एक का निशान है, हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है। और ये जो फोटो है कि इन गुरुओं ने हमें ये संदेश दिया है, बस इसलिए ये एका ये लॉकेट पहन के रखते हैं, जिससे लगे कि हम सब एक मालिक को मानने वाले, कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सबका मालिक एक और हम सब एक, ये निशानी, इसलिए ये लॉकेट। और इससे फिर पूर्ण खुशियां आती हैं जी। तो ये रूहानी जाम अभी आपको पिलाया जाएगा, पर उस भगवान का धन्यवाद करना है। धन्यवाद करने का तरीका, बेपरवाह मस्ताना जी महाराज, जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया हमें दिया है, धन धन, हे भगवान तू धन्य है, तेरा हम धन्यवाद करते हैं। सदगुरु ओम हरि अल्लाह राम, तेरा ही आसरा, कि तेरा ही सहारा है। हे भगवान तू धन्य है, धन्यवाद करने के काबिल है, हमें तेरा ही सहारा है, तेरा ही आसरा है। वाकई सबको उस मालिक का आसरा है, जो उसका आसरा बना लेते हैं वो कभी नी आसरा नहीं रहते, अनाथ नहीं रहते, ये हकीकत है। तो आप सबने मिलकर मालिक का धन्यवाद करने नारा बोलना, उसके बाद रूहानी जाम शुरू करेंगे। अगर कोई रूहानी जाम पीने आया है, तीन वचनों में गलती हो तो वो बैठे बैठे नारा लगा दे, उनको माफ है, आइंदा गलती ना करना। तो जोर से नारा लगा के धन्यवाद करते हैं मालिक का, और फिर शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। जी करो रूहानी जाम शुरू बेटा, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ से। हाँ जी करो शुरू। तो ये रूहानी जाम आपको अभी पिला देंगे सेवादार, थोड़ी सी देर में। हाँ जल्दी से कीजिए, तेजी कीजिए भाई सेवादारो, हिम्मत से लाइन बढ़ाओ, आपकी लाइन पूरी बनी नहीं, अभी बीच में कुछ सेवादार और लग जाओ, जो बैठे सेवादार हैं। हाँ बीच में आप बैठे हो भाई, खड़े हो जाओ, सतुरमचारी कुछ बैठे हैं, सेवा करो, सेवा करते करते खुशी मना लो, ये सारे लगे हुए हैं, आगे तक लाइन बना लो ताकि रूहानी जाम पीने वाले खड़े हो गए, वो भी सेवा के लिए खड़े हो गए। अभी आपको पिलाते हैं बेटा, आप तक पहुंच गए सेवादार, और भी सेवादार जो इधर उधर खड़े हैं तो वो लगे साथ, बहनों की तरफ तो लाइन काफी अच्छी बन गई लंबी।
चारों तरफ लगो बेटा, चारों तरफ रूहानी जाम पिलाओ तेजी से, शाबाश। तो ये रूहानी जाम पीते पीते आपको भजन सुना देते हैं जो आप चाहोगे। कोशिश करना बैठे बैठे आगे वाले खुशी मनाना, और खड़े होना तो आगे ना आना, अपनी जगह पे खड़े रहना। सात संगत खुशी मनाती है रूहानी जाम की, और इसको श्रद्धा से पीना, आंखें बंद करके या खोल के दृढ़ विश्वास के साथ कि हे प्रभु मुझे अच्छे नेक कामों में आगे बढ़ाना, मुझे हिम्मत देना, ताकत देना, तंदुरुस्ती, जो भी आप बोलना चाहो अच्छे नेक कामों के लिए, तो ये रूहानी जाम पूरा असर करता है। बीमारी परेशानियां दूर करता है, बिगड़े काम बना देता है। बस श्रद्धा के साथ जब पीने लगो तो बस ध्यान जाम की तरफ, पीने की तरफ पियो और खत्म। एक बार ही पीना है, दो बार नहीं पीना होता, ये पूरा ख्याल रखना है। छोटे बच्चे को नहीं पिलाना होता, ये भी पूरा पूरा ध्यान रखना है। जिसने नाम लिया है वही रूहानी जाम पीता है, उसी पे पूरा असर होता है। माता बहनों बैठ जाओ, थे फिर उपा हो गया, बैठ जाओ। एक तो भजन राजस्थान के जो सेवादार हैं, जो कहें वो बोल देते हैं जी। राजस्थान के कुछ सेवादार भजन कहें कोई, पीर मेरा जी, तो ये बच्चे कह रहे हैं जी पीर मेरा। ठीक है भाई, सत्संग जी आप भी यही चाहते हो पीर मेरा, ठीक है जी, निकालो। तो अपने अपनी जगह पे रह के खुशी मनानी है, आगे नहीं आना, फिर बैठना मुश्किल हो जाता है। तो वो भजन आपकी सेवा में अर्ज करते हैं, पीर मेरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा दर्श दिखा रहा वो चरनीला, दर्श दिखा रहा वो चरनीला, मैं तो जा गया। पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा जी, पीर मेरा। मैंने पीर जो पाया वर्णन कैसे सुनाऊंगी, रोम रोम में दस गया होता कैसे मैं सबको दिखाऊंगी, ताके पापियों को सीने लगावे, सबके पापियों को सीने लगावे, बहुत बड़ा है उसका जेरा। फिर मेरा, फिर मेरा, फिर मेरा जी, फिर मेरा। गुनागारों को अक्षे पल में कैसे महिमा सुनाऊंगी, फिर मेरे कारहमो कर्म लाव जन सुनाना पाऊंगी, जिधर भी जाए बहार लाए, जिधर भी जाए बहार लाए, बोलना मैं कह तेरा तेरा। फिर मेरा, फिर मेरा, फिर मेरा जी, फिर मेरा। रोम रोम जी महक उठे, तीर के द
दर्शन पाऊं जी, नजर दो न जहां के मिले तीर से नजर जब मिलाओ जी, सभी काए तू सुगंधी का घर है, सभी काए तू सुगंधी का घर है, वो क्या जाने लाया पीर तेरा, पीर मेरा जी पीर मेरा। जैसे खून रगों में दौड़े है वो दाता नहीं खून जी, खून में ऐसे गुल मिल गए वो जैसे रुजू नून जी, लोगों की धड़कन धक धक बोले, लोगों की धड़कन धक धक बोले, मेरी बोले तो बोल पीर मेरा जी पीर मेरा। दर्श दिखारा भोजन लारा, दर्श दिखारा भोजन लारा, मत जागा पीर मेरा जी पीर मेरा। जाने चले पीर मेरा, ऐसे पीर वजूद में छा गए, भूला वजूद में उनका मेरा, साई में मैं साई मुझ में, साई में मैं साई मुझ में, कि अल्लाह जाके ऐसा पीर तेरा, पीर मेरा जी पीर मेरा। देखती ही मैं जाऊं जी, रोम रोम में वो नजर आए, सजर रोम में पाऊं जी, जब भी आदर बन निहारू, जब भी माता आदर बन निहारू, दिखे मोहे जी मुखड़ा तेरा, पीर मेरा जी पीर मेरा। दर्श दिखारा भोजन लारा, दर्श दिखारा भोजन लारा, मत जागा पीर मेरा जी पीर मेरा। बताऊं पिया मोरे ने इतना मोह बना दिया,
खाक में हरी रस ऐसा घोला ये जो मस्त बना दिया वो पवन चारों तरफ है डाला मो पवन के चारों तरफ है डाला दया मेहर का पिया घेरा फिर मेरा जी फिर मेरा शस्त नाम जी पिया मोरे ने रूप अपना बनाया मोहे भुलती काक को मीत बनाया मुझ न मन दाता तो पर पुकार जो दाता दिए पर पुकार जो दाता दिए रोम रोम गया रीनी मेरा फिर मेरा जी फिर मेरा जी फिर मेरा वो दर्श दिखा रहा जिक्र नहीं ला रहा दर्श दिखा रहा जिक्र नहीं ला रहा मत जागा फिर मेरा जी मेरा सपना मेरा मस्तान मेरा सपना मेरा मस्तान मेरा धन धन सतगुरु तेरा ही आस बैठ जाइए जी बैठ जाइए जी थे गाना सुना लागू भाई सगला जी जी बेटा अभी बैठ जाएं सत्संग बैठ जाएं बेटा बैठ जाएं अब जो पक्के सेवादार हैं पक्की समितियों वाले चाहे वो राजस्थान के हैं हरियाणा पंजाब कहीं से भी तो उन सबको ये प्रसाद अभी दिया जाएगा जी रूहानी जाम के साथ साथ पर अभी पहले देख लें कि रूहानी जाम के बिना कौन रह गया भाइयों की तरफ कोई रह रहा हो जिसको नहीं मिला वो हाथ खड़ा करें जी जिसको नहीं मिला ये भाई बैठे हैं एक आगे बिल्कुल नौजवान इनको मिला नहीं अभी रूहानी जाम पिलाइए भाई ये इधर बिल्कुल इधर आगे इस साइड में हाँ बिल्कुल इस साइड में भाई बहनों के बीच में जो जगह वहां पे एक साइड में और पीछे कोई रह रहा हो तो हाथ खड़ा करें जी भाइयों की तरफ उधर भाई हैं उधर पीछे 5-7 भाई हैं ये 3 स्पीकर हैं जिधर जल्दी करें भाई देखो रूहानी जाम वालों जल्दी हाँ ये हाँ ग्रीनेस वाला गया उधर चलें भाई चलें शाबाश ये आ गया बेटा आपके पास और इधर बहनों की तरफ अगर कोई रह रहा हो तो हाथ खड़ा करो माता बहनों जिन्हें अभी तक को नहीं मिले हो काफी बहनें रह रही हैं काफी हैं 15-20 पीछे की तरफ हैं पीछे की तरफ इस रास्ते में जो भाई बहनों के बीच में रहा उधर से चलो जल्दी से दौड़ के और पीछे बहने हैं उधर बाकी इधर आ भाई सबको बाकी इधर तो आ गया वो पीछे कुछ बहने हैं वहां तो जो आज हाजरी आई है जी वो हाजरी पहले बोलते हैं साथ संगत काफी जा रही है तो ठीक है बेटा कोई बात नहीं सबका बहुत स्वागत अभी थोड़ी सी देर बैठ जाओ तो अच्छा है और एक कार्ड बनाया इन्होंने 15 मेंबर बहने हैं जी 15 हैं पूरे राजस्थान में और पूरी की पूरी आई हुई हैं आज 15 मेंबर बहने ये चुनी जाती है सेवा के लिए 25 मेंबर भाई हैं 15 में बहने हैं आगे गांव में शहरों में अलग अलग चुने जाते हैं तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद इन्होंने लिखा है सतगुरु आया धरती पे हमारे लिए ना साथ ही हरदम जब तू सत है तो नहीं और कोई गम तुझे पाके नहीं अब खोना है तुझसे ही ओढ़ निभाना है एक कार्ड बनाया इन्होंने ख्याल से एक कार्ड बनाते हैं सब लोग ये कार्ड पे लिख के भेजते हैं आशीर्वाद और बाकी 25 मेंबरों ने भाई भेजो हाजरी राजस्थान के एक दूसरे को देख रहे हैं हाँ भेजो जल्दी करो 5 भाई ने दीन दुखियों मध्य में बैंक में पैसा जमा करवाया है जी तो आपके घरों में आपस में प्यार बढ़े मालिक से प्यार बढ़े घरों में खुशियां आए मालिक से दुआ करता आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं आशीर्वाद
विदेशों से जाम पीने आए हैं जी, सतीश इंसा में बहन सोनू इंसा पर्थ ऑस्ट्रेलिया से, खड़े होते जाना जी, मोना इंसा नीतू इंसा एम्सफोर्ड कैनेडा से, सुरेंद्र इंसा एम्सफोर्ड कैनेडा से, इन्हें ब्रिटिश कोलंबिया ब्लॉक के 7 मेंबर का प्रसाद भी दिलाना है। सुरेंद्र इंसा कहाँ है जी, सुरेंद्र जी हाँ नारा लगा दो बेटा, 7 मेंबर आप ब्रिटिश कोलंबिया के बन गए, प्रसाद ले लीजिए और आशीर्वाद बाकी जिम्मेवारों को मिल लीजिए आशीर्वाद, तो सबको आशीर्वाद प्रसाद ले लेना बेटा, जो भी विदेशों से साथ संगत आई है उनको प्रसाद दिया जाएगा। तो रूहानी जाम, हाँ भाई बोलो हाजरी, तो ये तो आपकी जिम्मेवारी, आपने कहना था ब्लाकों से है जी, कुल कितने ब्लाक हैं, तो राजस्थान के जितने भी ब्लॉक आए हैं हाजरी दे देना भाई, बाद में दे देना, और हाजरी दिया करो ब्लॉक वालों, अलग अलग ब्लॉकों से 7 मेंबर 15 मेंबर नौजवान समिति हर जगह जहां होता है भंडारा वहां ये उनकी हाजिरी लगती है, तो ये कहते हमें दी नहीं, गलती तो इनकी इन्होंने ली नहीं, 25 मेंबरों की जिम्मेवारी होती है जी। आज करवाया था जी, कब सुबह तो कुछ आए भी नहीं होंगे, तो आप ब्लाकों में घूम के कहना था ना जितने भी ब्लाक हैं कि भाई हाजिरी यहां जब भी आगे से ब्लाक वालों साथ संगत अलग अलग ब्लाकों की बैठी है, जब भी आप आओ अपने 7 मेंबर 15 मेंबर नौजवान समिति सेवादार सुन लो भाई ध्यान से, इतनी सेवादारों में आप हाजिरी अपना नाम लिखवा सकते हो, एक है नौजवान समिति जिसमें यंग एज हैं सारे, एक है बुजुर्ग भाई समिति उसमें शायद 45 साल से ऊपर है 40 से शायद, तो बुजुर्ग भाई समिति है, एक बुजुर्ग बहनों की समिति है, बाकी 7 मेंबर हैं 15 मेंबर हैं और भंगीदास है गांव के मेंबर हैं, तो आप अलग अलग अपने अपने गांव में भी अपनी सेवा कर सकते हैं, ड्यूटी लगवा सकते हैं, यहां से फिर आपके पास सेवादार आ जाया करेंगे अगर कोई जरूरत होती है तो सेवा की, तो इस तरह अगर यहां आश्रम में बहुत सारे सेवादार होते हैं जो लगे हुए हैं तो उनकी भी ड्यूटी अलग अलग लगा दी जाती है, तो वो भी आपने नाम यहां पे, कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं, भंडारे का दिन है पर आगे से ऐसा होना ना चाहिए, ख्याल रखा करो भाई, 15 मेंबर बहनों ने अपनी हाजिरी दी, आपने अपनी दे देते आप कितने हो, कि ये भी ब्लाकों वाला ने भी दी, शायद ब्लाकों वालों ने दी है, कितने बच्ची मेंबर आए हो, 20 आए, कहां है 20, गिनो आपस में गिन लो, खुद को पहले गिन लेना जी, तो माधव आप भी सेवा में नाम लिखवा सकते हो, छोटी अगर कोई गुड़िया है यंग एज है तो उसके साथ उसका माँ या भाई या बाप जरूर आए, क्योंकि आप जानते हो जरूरी है अगर वैसे सेवा करने आते हो, हाँ वैसे कोई माता बहन है वो आते हैं, या सेवा हमेशा चलती रहती है, मकान बनेंगे लंगर घर बनेगा यहाँ साथ संगत के लिए रहने के इंतजाम और करेंगे जितना हो पाएगा, तो आप सेवा कर सकते हैं, तब भी सेवा में नाम लिखा सकते हैं और बुला के जिम्मेवार भी बनना है, तो कितने पूरे 20 बैठे हैं यहां, 14 हैं, 6 कहीं और होंगे, 6 पंडाल में हैं जी, चलो आशीर्वाद बेटा सबको, पर आप ख्याल रखो भाई, आप हाजिरी अपनी तो कम से कम दे सकते हो, हाँ चलो सेवादारों को प्रसाद देना है, ख्याल रखना 7 मेंबर 15 मेंबर नौजवान समिति बुजुर्ग भाई बहन समिति और 7 सुजान बहने बला की 7 सुजान बहने भंगीदास 15 मेंबर, तो ये जो चुने गए हैं इन्होंने ये प्रसाद लेना है, यहां पक्की समिति है जो आश्रम में, ये घर के लिए प्रसाद होता है, आप भी खाना परिवारों को भी देना, तो ये पक्की समितियां यहां जो पक्के सेवादार आते रहते हैं, जो आपको कहा नाम लिखवा लो तो मांग के ले सकते हैं, कि लेना इन्होंने ही है, भंगीदास नौजवान समिति वाले जिन्होंने नाम पहले लिखवा रखे हैं, तो उन्होंने प्रसाद लेना है, अभी प्रसाद दिया जाएगा बहनों की तरफ भी, हाँ सिर्फ प्रसाद उन्हीं ने लेना है, कहीं दूसरे ना ले लेना, घर में नींद ना आए बाद में, जो पक्की समिति ग्रीनेस के फोर्स शास्त्र ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स में ये वर्दी वाले घूम रहे हैं, आपने सुना प्रिंस एक नौजवान था, लड़का था छोटा सा बच्चा हरियाणा में बोरवेल में चला गया था, तो उनको निकालने के लिए इन लोगों ने ही नीचे जाके कुआं खोदा था, ऊपर सेना काम करी थी नीचे ये काम कर रहे थे, सारे लोगों को कंट्रोल करने में खाना खिलाने में इनका काम था, अंडेमान निकोबार में कोई नहीं गया, वहां सेना के 10 और ये 21 लोग पहुंच गए थे, तो गुजरात में हजारों की 5-6 हजार लोग ये नौजवान पहुंचे थे, तो अब तो इनकी संख्या 36 हजार होगी, पहले 7 हजार थी, अब 36 हजार नौजवान जिनमें इंजीनियर डॉक्टर लेक्चरर फौजी आम पढ़े लिखे बच्चे और ठीक ठीक अधेड़ अवस्था में भी इसमें आ जाते हैं, बुजुर्गों ने नहीं, तो आप अपना नाम इसमें भी लिखवा सकते हैं, वर्दी दी जाती है, आपको पैसा आपके पास है तो खरीद लो वर्दी, पैसा नहीं है तो वर्दी भी फ्री में दी जाती है, ये आपको बता दें, कहीं सोचो पैसा लगेगा तो वो ब्लाक वाले फ्री में वर्दी दे देते हैं, तो आप यहां अपने 25 मेंबर ये बैठे आपने देख ही लिया,
कितने एक्टिव हैं, तो अपनी हाजिरी तक नहीं दी, वो दूसरों पे दोष, दद्दा दोष ना काहू दीजे, है दोष अपना है। तो इनको मिल लेना कि आप बताइए ये चीज तो कर ही लोगे कि नहीं, कि ये भी ब्लाक वाले, ठीक है ये तो कर लेंगे भाई, ऐसे थोड़े जोश में है, हलवा हलवा खाया है, पता नहीं नहीं खाया अभी तक, खा लिया? हाँ ये पुत्र को नहीं छोड़ते, वो तो हम तभी हमने कहा खाया है। जी जी, तो आप इनको मिल लेना बेटा, जिम्मेवारों को बहुत सेवा करते हैं वैसे ये लोग बेचारे, साल में 6 महीने 9 महीने कहीं तो पूरा पूरा साल सेवा करते हैं, ऐसे 25 मेंबर भी हैं। तो मालिक इनको परिवारों को सबको खुशियां बख्शे, बेअंत खुशियां बख्शे भाई, भंडारे की बढ़ चढ़ के सबको खुशियां मिले, बहुत सेवा की इन्होंने, पंडाल बनाया, ये देखिए यहां पौधे थे, बाग था, पिछली बार आप आए होंगे, बीच में दीवार थी, ये उठा दी एक दो दिन में, पटरी बना दी, ये पूरा पंडाल बन गया है, अब आगे से बढ़ा, धीरे धीरे लंगर घर भी बन जाएगा और भी इसमें बनता जाएगा जैसा भगवान ने चाहा। तो आप सेवादार भी इसमें बढ़ चढ़ के आगे आओ, इधर के नौजवान इधर जयपुर साइड के, इस साइड के थोड़ा कम है तो वो भी बढ़ चढ़ के आगे आओ, जो भी आप नाम लिखवाना चाहे बहने और नौजवान गुड़िया भी आप लिखवा सकते हैं बेटा अपनी सेवा का नाम, क्योंकि इधर सेवा करते हैं, बस वही जब अकेले आओ, सत्संग में तो आप आ जाते हो, आगे पीछे आओ तो या तो कोई भाई या कोई माता बहन ऐसा कोई साथ में जरूर आए, ये जरूर ख्याल रखना है। तो आपने रूहानी जाम लगभग पी ले तो आप लोग नारा लगा के बैठ जाओ भाई, जितना सुमन किया है सेवा सुमन सत्संग का फल मालिक बढ़ चढ़ के आपका संगत का दरगाह में मंजूर करे, मालिक से दुआ करते हैं, बैठ जाइए, आप में से कोई रह रहा है तो रूहानी जाम पी लीजिए। तो रूहानी जाम आ गया भाई अब तो सबको, भाइयों की तरफ आ गया है, बहनों की तरफ सबने पी लिया है, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, भगवान खुशियां बख्शे, सेवा सिमरन सत्संग का फल बख्शे और भंडारे की बढ़ चढ़ के खुशियां मालिक आप, मालिक से दुआ करते हैं, बस अब थोड़ा सा समय बैठना है बेटा, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत, जी आए नोक्षामदीत, बस थोड़ा समय बैठना है, फिर जाने का ख्याल समय साधन के अनुसार जा सकते हैं, क्योंकि शाम की मजलिस भी अब हो गई, बीच में हो गया सब कुछ, तो अब एक मिनट इसी तरह बैठे रहना है, सज रहना है, जैसे सेवादार भाई कहें भाइयों ने उधर से जाना है, बहनों ने, तो उसी तरह से आपने जाना है, आगे से और भी गेट बनाए जाएंगे, इसको सही तरीके से पूरा किया जाएगा ताकि साथ संगत को कोई परेशानी ना रहे, तो सबको बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। सत्रु तेरा यात्रा है, 2 मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, सभी से प्रार्थना है अपनी अपनी जगह पर प्रेम पूर्वक बैठे रहें। और जो भी पक्की समितियों में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, जो भी भाई, तो भाइयों ने भाई वाली साइड में यहाँ आगे आकर 25 मेंबरों को अपना नाम लिखवा देना है, बहनों ने बहन वाली साइड में ही आगे स्टेज की ओर आगे आ जाना है जी। जो भी पक्की समितियों में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, जैसे हर आश्रम में पक्की समितियां हैं, तो इसी प्रकार आप भी यहां पर पक्की समितियों में जो भी नाम लिखवाना चाहते हैं, जितने दिन की भी आप सेवा कर सकते हैं, नाम लिखवाना चाहते हैं तो आप आगे आए तो 25 मेंबरों को अपना नाम लिखवा लें जी। और रूहानी जाम के लिए फार्म भरना बहुत ही जरूरी है, जो फार्म नहीं भर पाए, रूहानी जाम आपने पी लिया है तो आपने पंडाल में पीछे की साइड में भाई वाले पंडाल में भाई और बहन वाले पंडाल में बहनें फार्म भर रहे हैं।